नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस क्लिप को देखें। यू से दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हबीबी कम टू दुबई। देख लिया तो अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। दिस इज फनी वन बट दुबई एक कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। दुबई 7 एमिरेट्स में से एक है जो कंबाइन होकर एक पूरा देश बनता है, जिसे हम UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। या नो, इट्स एन कॉमन मिस्टेक। एक्चुअल में मुझे भी पहले ये नहीं पता था, बाद में पता चल गया। अब दोस्तों, ये कॉमन मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इस क्लिप में दिखाया, दुबई ऐसा सिटी होकर भी इसने बाकी सब देशों को घूसे मार मार कर इतना पीछे छोड़ दिया कि लोग दुबई को जानते हैं लेकिन UAE को नहीं, जिसके अंदर दुबई है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि दुबई इतना अमीर क्यों है, या फिर मैं कहूँ कि दुबई इतना अमीर बना कैसे, कहाँ से आया इसके पास इतना पैसा कि इसने बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब जैसी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। किन कारणों के बदौलत आज दुबई के पास किसी देश से भी ज्यादा पैसा है, जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाज फाउंडेड ऑन 2 दिसंबर 1971, जब ब्रिटिशर्स ने ट्रूशल स्ट्रीट से अपना राज छोड़ा था। एक्चुअल में पहले साउथ ईस्टर्न अरेबिया के एमिरेट्स को ब्रिटिशर्स ट्रूशल स्टेट्स के नाम से बुलाते थे। अब इसे ट्रूशल इसलिए कहा जाता था क्योंकि शेख लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी रिलेशंस की शुरुआत करी थी। वैसे तो ब्रिटिशर्स जो कुछ भी करते थे अपने मतलब के लिए करते थे। सो 1820 में ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडियन ट्रेडिंग शिप्स को चोरी और लूटपाट से बचाने के लिए शेख लोगों से हाथ मिला दिया। बदले में ब्रिटिशर्स ने शेख लोगों को ट्रूशल कोस्ट को बमबारी से बचाने का प्रॉमिस करा था। वेल, ये तो मैंने UAE की बात करी, अब दुबई पर आते हैं। सो दुबई वॉज अ स्लीपी विलेज अंटिल 1833। फिर एक दिन अल मक्ताउन फैमिली अबू धाबी के रूलर से भाग कर अल्बो फलासा ट्राइब के हेड के पास गई। फिर साथ मिलकर उन्होंने इस कोस्टल विलेज को अपने किले के साथ बसाया। फिर साथ मिलकर दरिये में से मोती निकालकर उसे बेचने का व्यापार शुरू करा। वेल, व्यापार तो था काफी मुश्किल क्योंकि दुबई पहले दुनिया का सबसे हार्श पार्ट था, बट अराउंड 1904 व्यापार काफी अच्छी तरह से चलने लगा और दुबई उस पूरे रीजन का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भी बन गया। फिर 1910 के आसपास व्यापार और भी अच्छी तरह से चलने लगा और दुबई काफी रिच भी होता जा रहा था। लेकिन 1914 में पर्ल इंडस्ट्री काफी घाटे में जाने लगी, ओनली बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान डिमांड काफी कम हो गई, जिससे कोस्टल कम्युनिटीज कर्ज में डूब गए और जिससे हजारों परिवार भी गरीबी में डूब गए। लेकिन व्यापारी तो व्यापारी होते, उन्होंने व्यापार फिर भी जारी रखा, जिससे कम्युनिटीज के बीच में इम्बेलेंस पैदा हो गया और जिससे पूरे रीजन में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ये फेस आने तक दुबई काफी इवॉल्व हो चुका था और अब दुबई के पास नए नए मार्केट्स और नई नई अपॉर्चुनिटीज भी थी। सिविल वॉर के खत्म होने के बाद दुबई ने पूरे भारत में सोने का व्यापार शुरू करा, लेकिन उस टाइम में पूरे भारत में गोल्ड को इम्पोर्ट करना इलीगल था, तो इसलिए गोल्ड को पहले लंदन से शारजाह लाया जाता था, फिर शारजाह से पूरे इंडिया में गोल्ड को स्मगल किया जाता था। अब इस पूरी इम्पोर्ट और स्मगलिंग की प्रोसेस में दुबई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि जिस बोट्स में गोल्ड को शारजाह से भारत स्मगल किया जाता था वो दुबई की ही थी। गोल्ड की इस स्मगलिंग से दुबई ऑलरेडी काफी रिच बन चुका था। अब आते हैं एक नए मुद्दे पर, तेल के मुद्दे पर। 1969 तक जब सभी एमिरेट्स कई देशों में तेल की तलाश में थे, तब दुबई ने तेल की खोज करी। हालांकि थी तो ये एक छोटी सी खोज, लेकिन इस छोटी सी खोज ने राशिद की योजनाओं को गति देने में मदद करी। अभी योजना थी तेल का व्यापार, वो भी पूरे विश्व में। अब इसी तेल के व्यापार के बदौलत इसने एक पूरा डीप सी कंटेनर पोर्ट बना दिया, पूरे एयरपोर्ट को अपग्रेड कर डाला और एक विश्व व्यापार केंद्र बनाया, यानी कि उस टाइम की पूरे मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग। और ऐसे ही पूरा दुबई एक कोरे रेगिस्तान से इनोवेशन का पूरा जंगल बन गया। लेकिन अक्सर कई लोग दुबई की इस अचीवमेंट को ऑयल मनी कहकर खारिज करते हैं, पर ये टोटली गलत है क्योंकि ऑयल रेवेन्यू दुबई की GDP के 3% से भी कम है। दुबई की सक्सेस और दुबई की इवोल्यूशन का जवाब है ट्रेड, जी हाँ, यानी कि व्यापार। दुबई से तेल के अलावा कई चीजें एक्सपोर्ट होती है, जैसे कि नेचुरल गैस, फूड स्टफ्स, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
एक्सेट्रा। लेकिन इन सभी के अलावा जिसके बदौलत आज दुबई इतना रिच है, इतना फेमस है, वो है इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म। दोस्तों शेख लोग बहुत ही चालाक थे, उन्हें पैसे कमाने की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए थी, तभी उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का आइडिया आया। तेल से जितने भी पैसे आते सब दुबई सिटी के डेवलपमेंट में जाते, और आइडिया भी काफी सुपर था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत टूरिज्म काफी बूस्ट हुआ, जिससे इकोनॉमी में भी काफी ग्रोथ हुआ, और आज दुबई दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से भी एक है। दुबई में घूमने लायक कितनी सारी जगह है, दुनिया का पहला और एकमात्र 7-स्टार होटल, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा कोरियोग्राफ्ड वाटर फाउंटेन, अगेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अदर टूरिज्म इंडस्ट्री मेक्स अप टू 20% ऑफ दुबई जीडीपी। दोस्तों उस टाइम पे किसी ने होप भी नहीं करी होगी कि एक सुनसान गांव अगले कुछ सालों में एक लग्जरी और रॉयल सिटी बन जाएगा। दोस्तों दुबई इज एन लाइव एग्जांपल ऑफ वेरी फेमस प्रोवर्ब ऑफ जोनस सॉल दैट होप लाइज इन ड्रीम्स इन इमेज एंड इन करेज ऑफ दोस हु डेयर टू चेंज ड्रीम्स इनटू रियलिटी। जब दुबई से तेल निकला तब कुछ लोगों ने इसका सही इस्तेमाल करा, क्योंकि उन्हें इससे एक होप थी कि इसके व्यापार से पूरे दुबई को चेंज करा जा सकता है। फिर तेल के पैसों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक पूरा जबरदस्त शेयर बना डाला, क्योंकि उन्हें दुबई को अपग्रेड करने की होप थी। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।